Hi everyone, first of all good morning to all of you, so welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और इंडियन ज्योग्राफी का आज और एक लेक्चर जो है हम कंप्लीट करेंगे और बताना चाहूंगा आज का जो वीडियो रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप JKSSB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, BLW की, फाइनेंस कोड असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मिस्ट या इसके साथ साथ आप SSC CGL या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो MCQs की फॉर्म में आज हम वीडियो में ये MCQs की फॉर्म में इस वीडियो को कवर करेंगे और साथ साथ में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे जो कि जितने भी इस वीडियो के अकॉर्डिंगली जितने भी हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और इसको ज्यादातर हम क्या करेंगे ज्यादातर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े और MCQs वाली सीरीज में ही आपका ये टॉपिक जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो आज लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के MCQs, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में, मिनरल है क्या, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नेचुरली फॉर्म्ड। नेचुरली फॉर्म्ड कहां पे होते हैं, अर्थ के ऊपर। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स। उसके बाद मिनरल्स जो होते हैं टिपिकली सॉलिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और कई बार इनकी हैव अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है एंड आर नेचुरली फाउंड बाय जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनते हैं। और मिनरल रिसर्च को क्या बोलते हैं, मिनरल रिसर्च को बोला जाता है मिनरोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट सी डेफिनेशन मैंने आपको जहां पे बताई है। मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रिसर्च रिच रॉक सिस्टम कौन सा है, ठीक है। विच इज इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रिच रॉक सिस्टम, ठीक है। आप देख सकते हैं कुदापा सिस्टम, विंध्या सिस्टम, दरबार सिस्टम या गोंदवाना सिस्टम। सो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका राइट आंसर बताते जाइएगा। सो राइट आंसर रहेगा जहां पे आपका ऑप्शन सी, दरबार सिस्टम, ठीक है। तो दरबार सिस्टम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रिच रॉक सिस्टम है इंडिया का। आप देख सकते हैं जो रॉक ऑफ द दरबार सिस्टम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रिच रॉक सिस्टम है। जितने भी मेजर मेटल्स होते हैं कंट्री के, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रोमियम हो गया एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसी रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। कौन सा पार्ट जो है इंडिया का, ठीक है, जो है सबसे बड़ा रिजर्व है मिनरल रिसोर्सेज का, साउथ ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है या नॉर्थ वेस्ट है। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए रहेगा, जहां पे साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है ना ये सबसे बड़ा जो है रिजर्व है इंडियन मिनरल रिसोर्सेज का। अब यहां पे थोड़ी सी मैं क्लासिफिकेशन आपको बता दूं मिनरल्स की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में तीन टाइप होती है, एक होती है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक, एक होता है एटॉमिक। सबसे पहले जहां पे बात करेंगे मेटालिक की, ठीक है। तो मेटालिक की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, फेरस होते हैं और नॉन फेरस होते हैं, ठीक है। इसके आगे अगर एग्जांपल देखें तो फेरस की कैटेगरी में आ गया आयरन, मैग्नीशियम, और सेकेंडरी की बात करें तो उसमें आ गया आपका कॉपर और बॉक्साइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन मेटेलिक में, नॉन मेटेलिक में आपका क्या आ जाएगा, फ्यूल आएगा और अदर आएगा। फ्यूल में क्या आएगा आपका, कोला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, और अदर में क्या आएगा आपका, माइका आएगा, लाइमस्टोन आएगा। और एटॉमिक की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका यूरेनियम आएगा, इसमें आपका थोरियम आएगा, इसमें आपका इल्मनाइट आएगा, इसमें आपका बेरिलियम आएगा, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है मिनरल्स की, आप इसको देख सकते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एटॉमिक, तीन टाइप की क्लासिफिकेशन है। आगे इसकी सब कैटेगरीज हैं, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। रिचेस्ट स्टेट कर्नाटका है, केरला है, गोवा है या गुजरात है। सो आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, कर्नाटका, कर्नाटका इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि लीडिंग स्टेट है अगर बात करें मिनरल प्रोडक्शन में, ठीक है। तेलंगाना है, ओडिशा है, राजस्थान है या बिहार है। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा यहां पे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है, दैट इज ओडिशा। तो मिनरल प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सी है इंडिया की, वो आंसर बी आपका ओडिशा, ओडिशा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट जो है फेमस आयरन ओर माइन कुदरमक लोकेटेड है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट में है फेमस आयरन ओर कुद्रिमक लोकेटेड, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है जी, केरला में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है या गोवा में है। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर आपका जहां पे रहेगा ऑप्शन जहां पे सी, ठीक है। तो कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगी जी आयरन ओर जो माइन है ना कुद्रिमुख, ये आपको देखने को मिलेगी कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी स्टेट जो है इंडिया की, इसको कंसीडर किया जाता है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन इंडिया, ठीक है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या यूके? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर बी रहेगा, जहां पे आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो स्टेट है ना, मध्य प्रदेश स्टेट जो है कंसीडर की जाती है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन इंडिया। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर में आपकी आ गया मलज खंड रीजन जो है मध्य प्रदेश का, ये आ गया। और मैक्सिमम रिजर्व जो होता है इंडिया का, मैक्सिमम रिजर्व जो कहां पे है, तो मैक्सिमम रिजर्व आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, ठीक है? तो हाईएस्ट और मैक्सिमम आप इसको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया बेस्ट जिंक एंड लेड आर रिजर्व आर अवेलेबल इन विच रीजन? कौन से रीजन में ये अवेलेबल है? राजस्थान के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स? हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या यूपी के अंदर? सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान के अंदर, ठीक है? तो एशिया का बेस्ट जिंक और लेड, ये लाइट लेड और जो रिजर्व्स है, ये आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान के अंदर, ठीक है? तो राजस्थान में कहां पे? एक भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर, वहां पे। उसके बाद बात करेंगे जादूगुड़ा, जो एक फेमस किस मिनरल के लिए फेमस है जादूगुड़ा, ठीक है? जादूगुड़ा जो है किस मिनरल के लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए, बेरिलियम के लिए या कॉपर के लिए? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो स्टेट्स हैं इंडिया की जो कि लीडिंग बॉक्साइट प्रोड्यूसर है इंडिया की, ठीक है? अब बताना ऑप्शन, उड़ीसा गुजरात है, आसाम है, उड़ीसा है, यूपी एमपी या हरियाणा राजस्थान? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा और गुजरात, उड़ीसा और गुजरात इसका राइट आंसर है। अब बताना यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, ठीक है? लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, असम है या मणिपुर है? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है एक लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की। कौन सी स्टेट जो है इंडिया की वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एस्बेस्टोस की, ठीक है? एस्बेस्टोस की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है इंडिया की? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? अगर स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो तो उसके लिए सॉरी। तो जहां पे आप देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर बताना आपने कौन सी स्टेट है। सो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टाइप ऑफ जो मार्बल है कौन सी जो है स्टेट में आपको देखने को मिलता है? वेयर इज द बेस्ट टाइप ऑफ मार्बल फाउंड इन इंडिया? कहां पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, तेलंगाना के अंदर है या गुजरात के अंदर? सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान के अंदर, ठीक है? तो मार्बल जो है, मार्बल के लिए राजस्थान फेमस है। वो राजस्थान में कहां है, कहां पे है? मकराना एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट जो है इंडिया की, विच स्टेट हैज अ मोनोपोली इन क्रोमाइट प्रोडक्शन? किसके पास है मोनोपोली? उड़ीसा के पास, बिहार, हिमाचल प्रदेश या केरला? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा, जहां पे उड़ीसा, उड़ीसा इसका राइट आंसर है। उड़ीसा में अगर बात करें तो हाई क्वालिटी आयरन ओर जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम बादाम पहर माइंस, ठीक है? ये कहां पे है? मयूरभंज और कियोनज हर, ठीक है? ये जहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका रहेगा उड़ीसा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का क्या रैंक है कोल और लिग्नाइट में पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो? फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है या फोर्थ रैंक है? तो इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक है ऑप्शन बी, यानी कि बनेगा आंसर आपका सेकंड रैंक, ठीक है? तो सेकंड रैंक है इंडिया का अगर कोल एंड लिग्नाइट की बात करें, ठीक है? तो चाइना नंबर वन पे है, सेकंड पोजीशन पे इंडिया, थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया का रैंक बताना आपने कॉपर में, कॉपर में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या रैंक है? 11th है, 12th है, 13th है या 14th है? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, 12th रैंक है इंडिया का कॉपर के मामले में अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, ठीक है? पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे पेरू है, थर्ड नंबर पे चाइना है, फोर्थ नंबर पे कांगो है और फिफ्थ नंबर पे यूएसए है। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी, 12th रैंक है इंडिया का कॉपर में। इंडिया का रैंक बताना अपने एल्यूमिनियम में पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है या फोर्थ रैंक है? सो राइट आंसर क्या रहेगा? तो एल्यूमिनियम में आपने बताना कि इंडिया का रैंक क्या है पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि थर्ड रैंक है इंडिया का एल्यूमिनियम में पूरे वर्ल्ड में। तो देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे चाइना है। उसके बाद यहां पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया का रैंक क्या है ग्रेफाइट नेचुरल इन द वर्ल्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा,
सेकेंड रैंक, ठीक है। तो सेकेंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें ग्रेफाइट नेचुरल। तो फर्स्ट कंट्रीज कौन सी है वर्ल्ड में ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का रैंक क्या है क्रोमाइट इन द वर्ल्ड, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी दैट इज थर्ड रैंक, थर्ड रैंक है। तो जहां पे आपका आपके लिए क्वेश्चन है फर्स्ट पहली कंट्री कौन सी वर्ल्ड में अगर बात करें क्रोमाइट प्रोड्यूसिंग में, ये भी आपका होमवर्क है, जी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और जहां पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल मिनरल प्रोडक्शन में। लेड की बात करें तो, लेड रिफाइंड की बात करें तो इंडिया का रैंक फोर्थ नंबर पे है। फिर बात करेंगे सीमेंट की, सेकंड रैंक है इंडिया का। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो रॉक फॉस्फेट या एपटाइट, जो 16th रैंक है इंडिया का। उसके बाद अल्मोना में बात करें तो फोर्थ रैंक है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 26th रैंक है इंडिया का। और मैग्नेसाइट की बात करें तो 17th रैंक है इंडिया का। क्रूड स्टील की बात करें तो सेकेंड रैंक है इंडिया का। उसके बाद मैग्नेसिस की बात करें तो 7th रैंक है इंडिया का। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल मिनरल प्रोडक्शन की बात करें तो। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट मिनरल रिजर्व्स एंड देयर प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निकल की, ये उड़ीसा झारखंड नागालैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मेजर प्रोड्यूसर कौन सा है इसका, झारखंड, ठीक है। और ये कहां पे है, कटक और कियो नजर रिजर्व में, ठीक है। टंगस्टन की बात करें तो कर्नाटका मेजर रिजर्व है। राजस्थान और महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेंगे मेजर प्रोड्यूसर। दिगनाना ये राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा एरिया। सल्फर में जम्मू कश्मीर ऊपर है, उड़ीसा केरला हरियाणा आ गया इसमें, सबके सब सारा रीजन जो मेजर प्रोड्यूसर में आ गया आपका। और एस्बेस्टोस की बात करें तो राजस्थान कर्नाटका राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये इसका मेजर प्रोड्यूसर है। फायर क्ले, ठीक है, गोंदवाना एंड टेरिशरी कोल रिजर्व जो गुजरात राजस्थान, और जहां पे आपको जो रीजन देखने को मिलेगा एरिया देखने को मिलेगा जरिया राज्य झारखंड के अंदर, रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो अभी रह गए हैं उसको हम इस स्लाइड में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तीन गोल्ड फील्ड है इंडिया की। सबसे पहले कोलर गोल्ड फील्ड, हंटी गोल्ड फील्ड, ये आपको दोनों मिलेंगे कर्नाटका के अंदर। रामगिरी गोल्ड फील्ड जो आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश के अंदर। लार्जेस्ट माइका स्ट्रिप जो है इंडिया का ये कहाँ पे पाया जाता है, हजारीबाग झारखंड के अंदर। गया और मुंगेर ये दो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर, ठीक है। कितने टाइप्स का आयरन ओर होता है, चार टाइप का इसमें आपका मैग्नाइट हो गया, ठीक है, हेमाटाइट हो गया, लेमोनाइट हो गया, या सिद्राइट्स हो गया, ठीक है। तो ये फोर टाइप है इसकी। आयरन ओर जो है ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, नाथरा कीपल रीजन जो है राजस्थान का, वहां पे लार्ज जो डिपॉजिट है लाइमस्टोन का, लाइमस्टोन मिनरल्स का, ये कहाँ पे पाया जाता है, बिंदियान रॉक्स में। बॉक्साइट जो है एक मेजर ओर है एल्युमिनियम का। सांबर लेक प्रोड्यूस करती है 6.7% जो इंडिया का टोटल साल प्रोडक्शन होता है ये सांबर लेक प्रोड्यूस करती है। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है जी इज नोन एज रोहर ऑफ इंडिया। तो ये क्लासिफिकेशन आप जहां पे पहले पेने फर्स्ट वेरी फर्स्ट जो स्लाइड में आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसके साथ साथ अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे, तो ये था फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट वीडियो जो काफी इंपॉर्टेंट आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जितने भी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो इसके साथ साथ जो और वीडियो रह गया है आपका जहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का, उसको भी हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।